मेडिकल कॉलेज में कोविड 19 टेस्ट को लेकर मंगलवार की देर रात जूनियर डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के बीच विवाद हो गया। लैब टेक्नीशियन ने मारपीट का आरोप लगाते हुए जूनियर डॉक्टरों पर जबरदस्ती कोविड 19 जांच करने का दबाव बनाने के बाद जब लैब टेक्नीशियन ने कहा कि इस लैब में इसकी जांच नहीं होती तो डॉक्टरों द्वारा बदसलूकी करते हुए लैब टेक्नीशियन से मारपीट की गई। बुधवार की सुबह लैब टेक्नीशियनों ने कार्य बहिष्कार कर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। मेरी बात सुनिए, डीएम साहब ने ही भेजा है एडीएम सिटी साहब को। ये बताइए, इस नाराबाजी से इतनी दिक्कत हो रही है, 12 घंटा हो गया, इसको मारे अभी तक कोई आया क्यों नहीं? ये रात के लगभग 1 बजे के आसपास की घटना है जो हम लोग ने प्रशासनिक तौर पे अभी सभी लैब टेक्नीशियनों से और जो मौके पे मौजूद थे उन लोगों से वार्ता की, डॉक्टरों से वार्ता की है। लगभग 1 बजे के आसपास की ये घटना है। यहाँ पर डॉक्टर अमरेश ने 2 डॉक्टर को, जो यहाँ पर लेडी डॉक्टर हैं, उनका कोविड टेस्ट करने के लिए इमरजेंसी में भेजा था। तो वहाँ पर विनोद यादव नाम के जो कर्मचारी टेक्नीशियन थे उन्होंने कहा कि इनका टेस्ट यहाँ पर नहीं, ट्रूनेट की लैब में होगा। तो दोनों महिला डॉक्टर उसके साथ ट्रूनेट में चली गई। तो वहाँ पर कुछ कहा सुनी, कुछ वाद विवाद हो गया। तो इसको सुलझाने और समझौता करने के लिए विनोद मौर्य नाम का एक जो टेक्नीशियन था, जिसकी रात में 10 बजे ड्यूटी समाप्त हो चुकी थी, वो मेडिकल कॉलेज आया। उसने बीच बचाओ समझौता करने का पूरा भरसक प्रयास किया उस आदमी ने, लेकिन वो बात कुछ बिगड़ गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी में विनोद मौर्य को भी चोट लगी और विनोद यादव का मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हुआ। इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स ने तोड़ा है, ये सब तो एक इंक्वायरी का विषय हो गया है और लैब टेक्नीशियन की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज करके उनको प्रति उपलब्ध करा दी गई है। और आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के पोर्टिको में कोई भी लैब टेक्नीशियन नहीं है और वो अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट गए। सर, क्या जो FIR दर्ज हुई है उससे उन लोगों ने कहा धरना खत्म कर देंगे, काम पे वापस आ जाएंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि हमको कॉपी मिल जाएगी, हम तुरंत पोर्टिको से हट के काम पर चले जाएंगे। FIR दर्ज हुई? हाँ, FIR दर्ज हो गई, उसकी सॉफ्ट कॉपी उनके व्हाट्सएप पे चली आई है, ओरिजिनल अभी उनको प्राप्त हो रही है। और मेडिकल जिनके चोट लगे हैं उन दोनों लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। विनोद यादव की ड्यूटी थी, उसके बाद जो है सैंपल निकालने, क्योंकि जो कर्मचारियों का सैंपल निकलता है या जो भी हो, तो रात में सैंपल या दिन में वहाँ निकलता है PMSY में, उसके बाद जो है जबरदस्ती वो लोग सैंपल निकलवा रहे थे। उसके बाद ये मना कर दिए कि ऐसा कि सैंपल नहीं निकालेगा, चोटी सर मना कर। उसके बाद जो है वहाँ से एक डॉक्टर जूली है, डॉक्टर जूली SR है, वो 2 लड़कियों को लिवा कर आई थी सैंपल निकलवाने, भाई आपका सैंपल अभी नहीं निकल सकता है और जो PMSY में आपका सैंपल कल निकलेगा। उसके बाद वहाँ से आए हैं, विनोद यादव से झगड़ा किया, फिर उनका मोबाइल ले लिए हैं, तोड़ दिए हैं। फिर जो है मेरे पास विनोद यादव फोन किए 2:45 लगभग, मैं वहाँ से रूम से आया हूँ। उसके बाद जो है जैसे पहुँचा, मैं बातचीत कर रहा तब तक देख रहा 500 लोग आए थे। उसके बाद